देखिए, मैं तो उनका मान सम्मान करता हूँ, भाजपा की प्रत्याशी का मान सम्मान करता हूँ और सभी प्रत्याशियों का मान सम्मान करता हूँ, मगर जिस तरीके से उनकी शब्दावली पिछले काफ़ी समय से बिगड़ती जा रही है, वो उनको मुबारक है। मैं तो उनका शुभचिंतक हूँ। वो अच्छा मनोरंजन हिमाचल के लोगों का कर रही हैं, पिछले एक महीने से बहुत मेहनत कर रही हैं और लोग उनके मनोरंजन से बहुत खुश भी हैं। तो मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आखिरी 10 दिन रह गए हैं, अच्छा मनोरंजन लोगों का करिए, उसके बाद आपने वापस बॉलीवुड जाना है। आपकी कई पिक्चरें अभी वहाँ पर शेष हैं, आप जाकर अपनी पिक्चरें बनाइए और यहाँ की जो हिमाचल के काम हैं, यहाँ के मसले हैं, हमने पहले भी पूरे किए हैं, आने वाले समय में भी उनको पूरा करेंगे, हम भी करेंगे। अब हमको उनकी देखा देखी में रैली थोड़ी करनी है, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। मगर मैं ये कहना चाहूँगा, विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि मंडी की जनता अब इस भाषण से तंग आ चुकी है कि मुझे सेपू बड़ी पसंद है, मुझे काली दाल पसंद है, मुझे मंडी का झोल पसंद है, हर बारी ये बात को कहना। और जब वास्तविकता में मंडी के लोगों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता आदरणीय प्रधानमंत्री जी की थी, जब हमारी सबसे बड़ी सदी की आपदा हिमाचल के अंदर आई, मंडी के अंदर आई, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक भी ट्वीट हिमाचल के लोगों के प्रति, मंडी के लोगों के प्रति नहीं आया। ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दिखा दीजिए, एक भी रिकॉर्ड पे उनका ट्वीट नहीं आया, उन्होंने यहाँ का विजिट नहीं किया। अब चुनाव में मजबूरी है कि यहाँ पर उनको आना पड़ रहा है, तो आ रहे हैं, ठीक है, अपनी बात कहेंगे और शाम को वापस चले जाएंगे। तो कंगना जी को भी हम अपना नमस्कार कहते हैं, मगर जैसा मैंने कहा कि उनका मनोरंजन का समय अब हिमाचल में पूरा हो गया है। उन्होंने बहुत सी ऐसे बयान दिए हैं जिससे लोग लोटपोट होकर हंसते रुकते नहीं हैं। जो एक बड़े अच्छे कॉमेडियन है मुंबई में, कपिल शर्मा, उनको भी अच्छा कंपटीशन दे दिया है। तो मैं तो समझ रहा हूँ वापस जाकर कहीं कपिल शर्मा की बॉलीवुड से कहीं छुट्टी ना हो जाए, इस तरीके का सिस्टम चला हुआ है। तो वापस जाए 4 तारीख के बाद, जो उनकी फिल्में बची है फिल्में करें, या वरना जो है कॉमेडी शो विद कंगना रनौत मुंबई के अंदर शुरू कर दें। राम जी, उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं, बेचारे कैंडिडेट की गाड़ी में भी नहीं बैठ पाते हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन है, कम से कम इतनी तो उनकी इज्जत करो कि कैंडिडेट उनको अपनी गाड़ी में बिठाए। कल क्या हुआ, हेलीकॉप्टर में बैठने लगे थे, वहाँ पर उनके सुरक्षाकर्मी को उतार दिया। क्यों? क्योंकि एक मेकअप आर्टिस्ट को बिठाना है।